प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के तहत मनाया जा रहा है, जिसके चलते पूरे देश भर में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सेवा सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। इसी कड़ी में आज करनाल के सरकारी हॉस्पिटल के प्रस्तुति कक्ष में सैनिटरी पैड की मशीन लगाई गई, जिसका शुभारंभ करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के विशेष अवसर पर विशेषकर महिलाओं के लिए अनेकों सौगात केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है, जिसमें गरीबों की रसोई को सिलेंडर देकर धुआं रहित करना, स्वच्छता को अपनाने के लिए सैनिटरी पैड मशीन लगाना एवं अन्य महिलाओं के उत्थान के कार्यक्रम बड़े जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 70 के करीब सैनिटरी पैड की मशीनें विभिन्न स्थानों पर लगाई जाएंगी, जिसमें महिलाएं 5 रुपए का सिक्का डालकर सैनिटरी पैड प्राप्त कर सकती हैं। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष निर्मला बैरागी के अलावा बड़ी संख्या में महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाएं मौजूद रही। माननीय प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्मदिन के दिवस पर जो सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी करनाल की तरफ से सैनिटरी पैड की मशीन यहां कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉल की जा रही है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी प्रदेश अध्यक्ष बहन, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे भाई अशोक सुखीदेव जी, पार्षद, सभी बहनें भी यहाँ पर मौजूद है। अभी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का एक संदेश लाल किले के प्राचीर से दिया, महिलाओं की स्वच्छता को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आज ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंस्टॉल की जा रही है। आज सिंबॉलिक तौर पे 5 मशीनें इंस्टॉल की जाएंगी, जिसमें कल्पना चावला और मेडिकल हॉस्पिटल, यहाँ पर जनरल हॉस्पिटल में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। एक आम महिला 5 रुपये का फाइन डालकर अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए सैनिटरी पैड यहाँ से प्राप्त कर सकती है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सेवा के तौर पे जो भी आह्वान किया गया, सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेदारी के तौर पे बखूबी निभाया और आज हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए दुआ देते हुए कि उनके स्वास्थ्य इसी प्रकार कायम रहे, वो देश रहे, हम महिलाओं के सम्मान के लिए, और उन्होंने चाहे महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना है, चाहे स्वच्छता का एक संदेश दिया हुआ जन जन तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने किया, ये तो आज बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आपने, माननीय मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ही इस बात का जिक्र किया था, और उसी से ही ये जो जागरूकता जो आई है बहनों में, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको ये बता दूं कि सैनिटरी पैड जो है, ये महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यकता की ज़रूरत है और उनके स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए भी बहुत ज़रूरी था। और मैं उन भाइयों का भी, माननीय सुखीजा भाई साहब का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस बात की शुरुआत करनाल से की, और करनाल की मेयर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ से किए। और एक बात और मैं बता दूँ कि इस सेवा सप्ताह में 17 अप्रैल थी माननीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 24 सितंबर तक, हमने भी जो है सेवा सप्ताह में सैनिटरी पैड का जो है वो वितरण किया महिला मोर्चा ने, और इसका सहयोग हमें दिया महिला बाल विकास कल्याण हरियाणा ने, तो उन्होंने हमें सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराए और हमने बस्तियों में बांटे। उसके साथ ही हमें ये जानकारी मिली और ये अवगत हुआ कि उन बहनों में अभी जागरूकता की बहुत कमी भी है, अभी वो कपड़ा ही यूज़ करती हैं, सैनिटरी पैड यूज़ नहीं करती और उनको अवेलेबल भी नहीं है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और मोर्चा इसके लिए कटिबद्ध है, और हम अपनी सरकार के साथ साथ मिलकर ये जागरूकता भी फैलाएंगे महिलाओं में और उनके कैंप लगाकर उनको इसके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।